हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फोरऑवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कल की डेट में हमने यहाँ पर दो वीडियो बनाई थी दो परसों की डेट में यहाँ पर वीडियो बनाई थी अगर किसी ने देखी होगी तो यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड मैंने बातें करी थी जो मैंने बताया था कि 50 परसेंट डाउन है

बात करें दूसरे स्टॉक जिनके पास जिन्होंने केमिकल्स, फार्मा या फिर दूसरे स्टॉक से रख रखे थे वो पूरे नेगेटिव में आते हुए दिखाई दिए होंगे तो एक्जेक्टली करना क्या चाहिए क्या गिरावट खत्म हो गई है तो जैसे कि मुझे लग रहा है गिरावट खत्म हो गई है एक आध दिन की और हो सकती है तो हो सकती है इसके बाद से एक अच्छी खासी रैली आती हुई दिखाई देगी क्यों कह रहा हूँ किस बेस पे कह रहा हूँ क्या यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप क्या कह रहे हैं उससे बातें करेंगे बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की वीडियो डेली बेसिस में मिलती रहे बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है नंबर पे कॉन्टेक्ट करें कॉन्टेक्ट करके यहाँ पर आप अः अच्छे अच्छे शेयर्स किस भाव पे आपको लेने हैं उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जानते हैं और आगे की बातें करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डेटा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एफ का डेटा है और ये डी का डेटा है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एफ आई एस डी आई का डेटा तो एफ आई पर कंटिन्यूसली अगर बात करें चार चार दिन से कंटिन्यूसली बेचते हुए दिखाई दे बल्कि आज भी बेचा तो पाँच दिन हो गए और अच्छा खासा उन्होंने यहाँ पर बेचा है और इससे पहले देखे तो तीन चार दिन उन्होंने खरीदा भी था बट अगर हम यहाँ पर बात करें डी की तो डी आई एस यहाँ पर पहले बेच रहे थे ओके अच्छे खासे बेच तरीके से यहाँ पर बेच भी रहे थे और अभी उन्होंने बाइंग करनी शुरू कर दी है अब उन्होंने यहाँ पर बाइंग करनी शुरू कर दी है और एफ आई ने यहाँ पर सेल करना शुरू कर दिया देखिए इसी तरीके से एक बैलेंस बनाया जाता है इस चीज को हमेशा याद रखिएगा एक एक सेलिंग करता है एक बाइंग करता है तो एक एवरेज निकल के आता है बट एफ़ आई के पास जब जा पैसा ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर गिरावट भी उसी तरीके से होती है एफ आई आप देखेंगे तो मोस्टली शेयरों में बड़े बड़े शेयरों में हो या छोटे शेयरों में या बेहतरीन शेयरों में हो वहाँ पर एफ का डेटा कुछ ज़्यादा होगा एफ़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ ज़्यादा होगा इस वजह से यहाँ पर जब वो एग्ज़िट करते हैं तो मार्केट में हिलना मार्केट में वॉलीडिलिटी आ जाती है तो यहाँ पर कोई और रीज़न नहीं है और एक दूसरा रीज़न ये भी है एफ का एस निकालने का क्योंकि टैंपरिंग की जा रही है अगर आपने सुना होगा तो नवम्बर मेड में यह बात करें नवंबर लास्ट तक यहाँ पर टेंपरिंग टेम्परिंग मतलब जो यहाँ पर पैसा दिया गया था फेड के थ्रू तो वो यहाँ पर पैसा दोबारा यहाँ पर लिया जाएगा ओके इंटरेस्ट रेट शायद पर बढ़ सकते हैं तो इस कारण से क्या होगा कि तो उन्हें पैसा देना होगा जो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये मनी यूज कर रहे थे पैसा बना रहे थे अब पैसा उन्हें चुकाना होगा तो इसलिए आपसे पैसा निकालने की भी कोशिश की जाए जा रही है तो ये भी एक रीजन है तो हमें uh, उस चीज से क्या लेना है उस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है देखिए गिरावट होती रहेगी गिरावट चलती रहती है गिरावट अगर हम बात करें uh, तो कुछ दिन पहले यहाँ पर गिरावट हुई थी अगर आप यहां पर देखेंगे तो अच्छी खासी यहां पर गिरावट हो रही थी तब लोग यहां पर यहां पर भी डर रहे थे बट यहां पर देखिए निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप निफ्टी में इतनी गिरावट दिखाई नहीं देती बट अगर हम बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की तो आपको यहां पर समझ में आएगा कि निफ्टी मिड कैप में किस तरीके की यहां पर गिरावट है यहां पर अगर हम निफ्टी मिड कैप की अगर हम बात करें निफ्टी मिड कैप में 150 की तो यहाँ देखिए बेहतरीन गिरावट होती है नजर आ रही है इसके अलावा हम बात करेंगे निफ्टी स्मॉल क्या, स्मॉल कैप की तो आपको पता चलेगा कि इधर भी एक अच्छी खासी गिरावट हमें नजर आ रही है तो देखिए सबसे ज्यादा आपने निफ्टी अगर हम बात करें यही शेयर थे थे जो अच्छे खासे चलते हुए दिखाई दिए यही शेयर है जो सबसे ज्यादा करेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं तो इसलिए इनमें वॉलिटिलिटी रह, रहती है और मैं आपको पिछले दो तीन महीने से हमेशा ही बता रहा हूँ कि ये मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं है ये मार्केट है आब, आब इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करके प्रॉफिट मिले निकलो इन्वेस्ट करो प्रॉफिट मिले निकलो तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है आपको प्रॉफिट इसी तरीके से कभी कभी होगा कि आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे कभी होगा कि प्रॉफिट बुक कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या रहता है कि अच्छे रह, अच्छे शेयर है अगर आपके पास तो कोई बात नहीं वो थोड़ा सा नीचे आएंगे फिर दोबारा ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने काफी मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी आई वेस्ट थिंक और ऊपर जाएगा बट मार्केट जब गिरती है तो मार्केट जब गिरती है तो ये नहीं सोचते कि क्या कहते हैं कितना बेहतरीन शेयर है या कितना बेकार शेयर है वो सबको लेके लेके जाती है सबको डुबा के जाती है और फिर यहाँ पर नीचे से बाइंग होती है और वो फिर दोबारा उसी लेवल पर उस अच्छे खासे लेवल पर आती है और अच्छे खासे तरीके से भागती हुई दिखाई देती है तो दो तरीका है या तो आप वहां पर ऊपर के लेवल पर जब वो लगे कि यहाँ पर अब हो गया है नफ हो गया है तो बेच दीजिए तब नीचे आए तो यहाँ पर खरीदिए या फिर सिंपल अगर आप बेच नहीं पाते तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर आप फिर एवरेज करिए यहाँ पर खरीदिए ताकि ये शेयर जब भागे तो आपका जो यहाँ पर आपने पहले खरीदा था फिर यहाँ पर खरीद लिया तो दोनों का एवरेज मिला के जब पैसा बने और जब ऊपर जाए तो आपका पैसा केवल बने यहाँ पर आपको लॉस ना होता हो दिखाई दे तो ये एक एडवाइस uh, होती है अब बात करते हैं कि सपोर्ट लेवल क्या है तो देखिए निफ्टी से रिलेटेड पहले बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की निफ्टी फिफ्टी अगर आपको पता है तो देखिए बेहतरीन स्टॉक से लेकर आ, से बना हुआ है कभी आईटी चलता है कभी यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर चलता है कभी यहाँ पर रिलायंस चल देता है कभी कोई शेयर चलता है तो ये जो बड़े बड़े शेयर है जो मार्केट कैप में बेहतरीन है यहाँ पर जब भी चलते हैं तो एक निफ्टी को सपोर्ट दे देते हैं ओके तो निफ्टी हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता रहता है जब मार्केट में अच्छी तरीके से गिरावट होगी जैसे यहाँ पर पैंडमिक आया था ओके अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पैंडेमिक आया था पेंडेमिक में तो फिर सारे शेयर फिफ्टी के फिफ्टी डाउन जा रहे थे तो ये ये निफ्टी भी डाउन चला गया था बट अगर हम बात करें ओवरऑल की तो यहाँ पर ये सारा का सारा अच्छा खासा भागता हुआ हमें नजर आया है अब की बार तो कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब सिंपल ये है कि निफ्टी पे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता निफ्टी के बट अगर हम बात करें बहुत सारे लोग रिटेल इन्वेस्टर्स या जो भी कहे यहाँ पर जो रॉबर्न इन्वेस्टर्स आते हुए दिखाई दिए जिन्हें रॉबर्न कहते हैं तो वो रैली को पकड़ते हैं वो भागते हुए दिखाई देते हैं वो जब चीजें ऊपर के लेवल में पहुंच जाती हैं जहां पर हम बेच देते हैं वो वहां पर फंस जाते हैं है, जाते है, तो यहाँ पर निफ्टी और वो मोस्टली स्मॉल कैप या मिड कैप में वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है वही थे दस दस परसेंट बारह बारह पंद्रह परसेंट भागते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे शेयरों में वो इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो होता क्या है कि निफ्टी पे तो देखिए ज्यादा असर होता हुआ दिखाई नहीं देगा निफ्टी यहाँ पर इसी लेवल का एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है सौ दो सौ पॉइंट और ऊपर नीचे होगा होगा फिर यहाँ पर ऊपर की तरफ ही उसे जाना है यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये ये छेसो सातसो पॉइंट करेक्ट होने वाली है जस्ट बिकॉज कोई ना कोई सेक्टर इसे बार बार सपोर्ट कर रहा है कभी प्रॉपर्टी कभी यहाँ पर फाइनेंस कभी यहाँ पर रिलायंस कभी यहाँ पर आईटी तो कोई ना कोई सपोर्ट करता हुआ नजर आता है बट अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल uh, कैप और यहाँ पर मिड कैप की तो यहाँ पर हमेशा हर हर तरीके के यहाँ पर आपको शेयर नजर आएंगे और जब हर तरीके के शेयर नजर आएंगे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इसमें जब ये भागता है तो ये भागा भी अच्छा तरह तरीके दस हजार का यहाँ पर ग्यारे, ग्यारे जो हो था, वो की वो दिखाई मतलब पॉइंट्स पर जम्प तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब है कि इसी तरीके से गिरावट होती है तो इसी तरीके से भागता हुआ भी दिखाई देता है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल जो कि मैं लास्ट वीक में एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि एक फिफ्टी डीएमओ को मोस्टली ये कोशिश करके टच करने की और इसने आज की डेट में देखे तो यहां पर 50 सॉरी 50 डीएमए के आसपास ये आता हुआ दिखाई दिया है तो मे क्या लग रहा है मुझे लग रहा है एक या दो दिन एक या दो दिन की और हल्की बोर्ड यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है ओके सौ डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट जो अभी यहाँ पर पाँच सौ पांच सौ छह सौ छह सौ पॉइंट गिरते हुए दिखाई देते हैं ना वो नहीं गिरते हुए दिखाई देंगे मुश्किल से यहाँ पर थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है और एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये यह सपोर्ट लेवल है यहाँ पर सौ डेढ़ सौ पॉइंट और गिर के एक दिन और गिर के ये ये चीजें फिर ऊपर निकलती हुई जाएंगी और यहाँ पर बहुत जल्दी आपको दिवाली से पहले पहले यहाँ पर और जल्दी जल्दी तेज तेज भाग के ये फिर अपना जो ये पहला लेवल है ओके okay, बारह इसे भी क्रॉस करती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर एक जो आपको अच्छे शेयर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं ना उन्हें एकोमलेट करना शुरू कर दीजिए ओके okay, जो कि मैं भी करता हूँ बायोन डिप्स करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है जब भी चीजें यहाँ पर जाएंगी तो अच्छा खासा यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी अब इससे पहले अगर हम देखें तो देखिए पेंडेमिक को छोड़ देते हैं पैंडमिक के बाद की बात करते हैं तो चीजें ऊपर गई ऊपर जाके यहाँ पे फिफ्टी डीएमए को यहाँ पर टच किया किस किया यहाँ पर नीचे आया फिर उसके बाद अच्छी खासी रैली फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया फिर भागा फिर फिफ्टी डीएमए को टच किया फिर भागा फिर फिफ्टी डीएमए को टच किया तो बार बार ये क्या हो रहा है बार बार यही हो रहा है कि यहाँ पर आ रहा है नीचे गिर रहा है ये मार्केट ओके फिफ्टी डीएमए को टच कर रहा है और फिर ऊपर भागता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे यहां पर हुआ ऐसे यहाँ पर हुआ ऐसे यहाँ पर हुआ और फिफ्टी डीएमए के आसपास देखें यहाँ पर भी आया फिर एक हरी कैंडल बनी और चीजें फिर ऊपर की तरफ निकल रहे दे। आप देखिए कि कल बनती है हरी कैंडल या परसों बनती है जिस दिन भी हरी कैंडल यहां पर बनती हुई नजर आएगी तो समझ लीजिएगा यहां पर अब रिवर्सल चालू हो गया और ये शेयर फिर भागते हुए दिखाई देंगे सेम अगर हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी सेम सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है देखिए फिफ्टी डीएमए के जैसे कि हम बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी कम गिरती है निफ्टी स्मॉल मिड कैप तो थोड़ा उससे ज्यादा गिरती है और निफ्टी स्मॉल कैप उससे ज्यादा गिरती है देखिए तो इसने उसने uh, निफ्टी डीएमए के आसपास भी नहीं आई निफ्टी मिड कैप अगर बात करें यहाँ पर फिफ्टी डीएमए के पास में आ गई और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो देखिए फिफ्टी डीएमए को टच करके नीचे भी आ गई तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कभी भी यहाँ पर रिवर्सल बन सकता है क्योंकि हम बैक कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं पास्ट हमेशा हिस्ट्री देखनी चाहिए हिस्ट्री के बेसिस पे हमें चीजें पता चलती है तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके की गिरावट थी थोड़ी बहुत और गिरावट हुई फिर ये चीजें भागती हुई दिखाई दी और अच्छी खासी रैली फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी और गिरावट हुई थी फिर फिफ्टी डी के आसपास आया थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट किया फिर यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया और लास्ट टाइम जब यहाँ पर एक से डेढ़ महीने पहले अगस्त में यहाँ पर जब गिरावट हुई थी तो भी गिरावट कितनी हुई थी तिरानवे सौ से लेके यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग हजार पॉइंट की गिरावट हुई थी और अभी की बात करें कितना यहाँ पर एक हजार लगभग यहाँ पर भी हजार पॉइंट के आसपास की गिरावट अच्छी खासी हो गई है तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट हो गई है और इसी तरीके से लोग यहाँ पर भी डर रहे थे खरीदने से बट एट दैट मोमेंट मैंने आपसे कहा था कि रिवर्सल होना चालू हो गया क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को यहाँ पर रिपीट कर रही है यहाँ पर एक जो होता है ना शेयर्स के प्राइस ज्यादा बढ़ जाते हैं शेयर्स की पी रेशो बढ़ता हुआ नजर आता है शेयर लगता है कि बहुत महंगा हो गया तो फिर हम यहाँ पर चीजें फिर हम यहाँ पर नॉर्मल की जाती है बेचा जाता है यहाँ पर नॉर्मल की गई है और यहाँ पर देखिए एक अच्छी खासी रैली रैली के बाद और कितने दिन की तेईस अगस्त से लेके अगर हम यहाँ तक पर बात करें उन्नीस अक्टूबर दो महीने भी दिए गए दो महीने में इसने ऑल टाइम हाई पे फिर टच कर दिया इसी तरीके से दोबारा भागेगा दोबारा भाग के यहाँ

साइकिल मत पकड़िए आप पकड़िए शेयर को कि कौन सा शेयर यहाँ पर कम दाम में मिल रहा है वोच में यहाँ पर खरीदिए कौन सा शेयर 20-30 परसेंट करेक्ट हो गया कौन सा शेयर यहाँ पर आर एस आई अच्छा है किसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं किसके रिजल्ट अच्छे हैं बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके जब आप शेयर खरीदेंगे ना तो सुनर और लेटर ओके okay, वो शेयर भागते हुए दिखाई देर अगर आप अगर इस तरीके की भी गिरावट गर, हो गई ना तो इससे अगर हम बात करते हैं पेंडेमिक की तो देखिए पेंडेमिक में, में सबको जो बर्बाद होता हुआ वो जरूर दिखाई दिया था बट ऐसी सिचुएशन तो ऑलरेडी अभी है नहीं तो ऐसी गिरावट होने वाली भी नहीं है बट अगर ऐसी होती भी है तो इसी तरीके की रैली आएगी एक से डेढ़ साल आपको वेट करना होगा और इसी तरीके का प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी भी करनी है आपको बट यहाँ पर जो चीज थी वो मैं आपको बताता हुआ नजर आ रहा हूँ एक आध दिन की शायद और गिरावट हो सकती है इसके बाद चीजें तो शेयर्स शेयर्स से रिवर्स होता हुआ तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करिए हमारी पर्सनल आपको सर्विसेज चाहिए तो नंबर है कांटेक्ट कर सकते हैं नॉर्मल चार्ज पे बेहतरीन आपको सर्विस तो दी जाती है सो थैंक यू सो ब्लेस